असल माई नेम इज़ मोहम्मद हमाद तुफेल ऑन द बिहाफ कोडेनिक्स आई वेलकम सेशन इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्रांचिज ऑफ मैथमेटिक्स मैथ एक वास्ट सब्जेक्ट है और मैथ की डिफरेंट ब्रांचेज हैं उन ब्रांचिज में अगर मैं बात करूँ तो ब्रांचिज ऑफ मैथमेटिक्स जो हैं इसमें एक मेन ब्रांच जो है वो है प्योर मैथमेटिक्स की है और दूसरी ब्रांच जो है वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स लेकिन ये ब्रांचेज जो हैं इनको स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले इनके सब ब्रांचेज को डिस्कस करना होगा तो हम स्टडी करते हैं ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स में सबसे पहले आती है नंबर थ्री सेकंड पे अरिथमेटिक अल्जब्रा ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री टोपोलॉजी कॉम्बिनेटोरिक्स मैथमेटिकल एनालिसिस कैलकुलस स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर थ्री को नंबर थ्री क्या है जी अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट ऑन द प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप ऑफ नंबर मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट नंबर की प्रॉपर्टीज और उनके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं उस ब्रांच को नंबर थ्री बोलते हैं सेकेंड है जी अ फंडामेंटल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज प्राइमेली कंसर्न विद द स्टडी एंड मैनिपुलेशन ऑफ नंबर्स ये जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है ये बेसिकली नंबर्स की मैनिपुलेशन को स्टडी करती है इट डील्स विद द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अब ये मैनिपुलेशन किस बिहेव पे हो रही है उसके लिए डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन काउंट किए जाते हैं और इनके अलावा कुछ और भी एडवांस कॉन्सेप्ट है आप आपके जो ऑपरेशन हैं उनमें वो एडवांस कॉन्सेप्ट जो हैं वो हैं एक्सपोनेंट एंड स्कूल तो जहां पे ऑपरेशंस के हवाले से डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ नंबर्स की मैनिपुलेशन होगी उसको स्टडी किया जाएगा वो आपकी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स अरिथमेटिक कहलाएगी अलजेब्रा अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी यूज नंबर्स लेटर्स एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स वो मैथ की ब्रांच जिसमें हम नंबर्स को लेटर्स को और सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करते हैं अभी के लिए आप जस्ट ये जहन में रखें कि इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी डाटा में आपके पास क्या क्या आता है सबसे पहले आते हैं नंबर्स उसके बाद अल्फाबेट्स आते हैं जिनको हम लेटर्स बोलते हैं उनके अलावा कुछ सिंबल्स यूज होते हैं और सिम्बल्स के साथ साथ आपके पास कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी आती हैं ज्योमेट्री ज्योमेट्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो ज्योमेट्री भी ग्रीक वर्ड से निकली है जिसमें जियो मीन अर्थ एंड मेट्रिया मीन मेयरमेंट जियो मीन अर्थ और मेट्रियामीन मेयरमेंट से हमें यह पता चलता है कि को कोई रिलेटेड टू मेयरमेंट काम हो रहा है और ऑन अर्थ काम हो रहा है ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कंसर्न विद प्रॉपर्टीज ऑफ मयरमेंट एंड रिलेशनशिप्स ऑफ पॉइंट्स लाइन्स एंगल्स सरफेसिस एंड सॉलिड्स अब यहां पे किस चीज की बात की जा रही है कि ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम प्रॉपर्टीज को को और रिलेशनशिप ऑफ लाइंस लाइन पॉइंट्स सॉलिड्स और एंगल्स को डिस्कस करते हैं यहां लाइंस डिफरेंट पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो वो लाइन बना देते हैं एंगल जब दो लाइंस आपस में मिलती हैं तो उन दोनों के दरम्यान में जो एरिया uh, बचता है उसको हम एंगल बोल बोलते हैं या डिस्टेंस बचता है उसको एंगल बोलते हैं उसके बाद सर्फेस सरफेसिस जो है किसी भी आपकी सॉलिड ऑब्जेक्ट की सर्फेस हो सकती है उसके बाद सॉलिड्स क्या है सॉलिड्स आपके पास डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स हैं जो हमने पढ़ी है जैसे कि सर्कल क्यूब उसके बाद रेक्टेंगल ट्राई एंगल्स स्क्र पेंटागॉन हैगजागॉन हेप्टागोन ऑक्टागॉन ये सारी आपकी सॉलिड्स हैं जिसको हम ज्योमेट्रिक शेप्स भी बोलते हैं